अभी गए थे मार्केट और मार्केट से लेके आ चुके हैं चिकन, जो कि एक किलो पूरा चिकन मिल चुका है अपने को। और अभी यहाँ पे चावल बन रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चावल चढ़ा दिए नीचे में, और इधर अपना प्याज व्याज जो भी थे सब काटने लगे हैं। तो अपना अभी चिकन बनेगा, देख सकते हो हमारा चिकन पूरा एक किलो आ चुका है अभी। तो इसको इधर रख देते हैं और ढक देंगे इसको। गाइस वेलकम बैक टू माय टू चैनल करंट अफेयर्स ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस अभी सुबह का बच चुका है 5:30 और सो के उठ चुका है फ्रेश हो लिया। तो जैसा कि आप लोग देखे थे कि हम लोग आए हुए थे हरियाणा में, तो अभी भी हरियाणा में फरीदाबाद में अभी तक अपना लोडिंग कन्फर्म हुआ नहीं है। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है। गाड़ी वहाँ से हटा दिए क्योंकि वहाँ पर दूसरा गाड़ी जो लगाता है परमानेंट वो आ गया था। अब पता नहीं यहाँ पर लगाया चलान भी हो सकता है अपना। इस गाड़ी का कांच वन जो है काफी गंदा हो चुका है और इधर ऐसा ना साफ करने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि धूला इतना पड़ रहा है, गाड़ी तो अपना खड़ा ही है यहाँ पे, इसीलिए साफ वफ जो भी है नहीं कर रहे हैं। और बाहर का वेदर देख सकते हो गाइस, काफी ठंडा वेदर है और रात में तो काफी ज्यादा ठंडा लग रहा था। और कल खरीदे एक पानी का जार जो कि 20 लीटर का है, तो खरीद लिए पानी के लिए क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था बोतल खरीदने में। 20 रुपये का हर बार बोतल खरीदना पड़ रहा है और गाड़ी में काफी ज्यादा बोतल जमा हो जा रहा था, हर चक्कर बोतल फेंकना पड़ा, इसीलिए एक बड़ा जार ले लिया क्योंकि खाना वाना भी बनाते हैं तो उसमें भी काम आ जाएगा अपना, और कहीं पानी मिलेगा तो स्टॉक करके रखने में भी सही रहेगा। रोटी बचा हुआ है, अभी 2 रोटी बचा हुआ है और इधर अंडा भुजिया बचा हुआ है। चलते हैं खाते हैं अपना सुबह का नाश्ता करते हैं। अभी अपना लोडिंग का बात जो था फरीदाबाद से बना नहीं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कानपुर, जो कि निकल रहे हैं कानपुर के लिए। और अभी देखते हैं उधर ही से प्रोग्राम बना है अपना, जो कि कहाँ का लोडिंग मिलता है अब जाने के बाद पता चलेगा। तो निकलते हैं गाइस और ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहो। इधर दिखाता हूँ, काफी धूप है अभी, बहुत ही ज्यादा धूप है। गाइस अभी आया था टोल अटोल को क्रॉस कर लिया और ये देख सकते हो आप लोग महादेव का बड़ा सा स्टैचू बना हुआ है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव। तो चलते हैं अपना सफर अभी कंटिन्यू रखते हैं कानपुर का। तो अभी चल रहा है कंटिन्यू हम लोग और आगे ऊपर में रेल ब्रिज। शाम का बज चुका है अभी 5:30 बजने वाला और धूप के कारण रुक गए थे, काफी तेज पे धूप लग रहा था इसीलिए रुक गए थे। अभी यहाँ पे अभी अपना सफर रखेंगे कंटिन्यू और यहाँ से निकलने लगे तो यहाँ का लोकेशन देख सकते हो गाइस और सूरज अभी डूबने वाला है क्योंकि देख सकते हो ठंडा वेदर हो गया। तो चलते है गाड़ी को स्टार्ट करते और निकलते हैं यहाँ से, खोजते एक देखते हैं छोटा मोटा मार्केट जहाँ पे कुछ लेते हैं और आगे चल के रुक के अभी बनाएंगे क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट वाला जो थे क्लियर अभी नहीं किया है कि कहाँ का माल आपको भरना है। कानपुर तो बोल रहे थे, फिर बोल रहे थे कानपुर का इधर से माल हो जाएगा तो कानपुर खाली जाने तो कोई मतलब नहीं है, माल हो जाएगा तो अच्छा ही है, इसलिए रुक भी गए थे। अभी देखते आगे कहीं मार्केट देखते हैं, मार्केट देख के रुकेंगे वहीं पे अपना देखते हैं। अभी मार्केट वर्केट मिल जाएगा अच्छा तो खाना पीना अपना बनेगा क्योंकि काफी दिन से चिकन विकन ऐसे अरे कुछ बनाया नहीं है। और यहाँ का लोकेशन देख सकते हो गाइस, जो कि काफी खूबसूरत आ रहा है। और देखते हैं छोटा मोटा मार्केट आगे क्योंकि शाम भी होने वाला, फिर अंधेरा हो जाएगा तो फिर मार्केट अपने को मिलेगा नहीं। से लोकेशन देख सकते हो गाइस काफी खूबसूरत आ रहा है और सूरज का जो लुक लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और पूरा ही खुला एरिया है, सूरज काफी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। तो चलते हैं आगे और देखते छोटा छोटा दुकान है वहां पे कुछ मिल जाए तो बनाने के लिए सही। तो
तो गाइस अपने को अभी कुछ मिला नहीं बनाने के लिए, और क्या करें अभी तो गए थे उधर पे कुछ नहीं मिला, सिर्फ चाय का दुकान है और होटल है। अभी देखते हैं क्या बनता है, अभी आगे जाएंगे, हो सके तो मिल जाए तो बनेगा, क्योंकि बहुत दिन से खाने का मन है और जब से कोलकाता से चले तब से खाए नहीं है, तो देखते हैं क्या बनता है अपना। आप लोग देख सकते हो गाड़ी का रश काफी ज्यादा है, अभी मेन बात है सिटी बगल में पड़ जाता है, फरीदाबाद ये सब पड़ जाता है, यहाँ से जितना लोडेड गाड़ी है शाम होने के बाद सब निकलने लगा है, तो उस करके जाम लग रहा है थोड़ा। आगे फिर रास्ता चलते रहेगा तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हो पूरा सुनसान रोड और गाड़ी सब जा रहा है, 6 लाइन है रास्ता, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, कोई गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं है, और कहीं कहीं कुछ होगा तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे रास्ता बढ़िया रास्ता है। और ये गाड़ी वाले को देख सकते हो गाइस अचानक से घूम गया, इंडिकेटर दे के लेफ्ट से, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे। और ये एपी नंबर रोल वोल ये सब ऐसा करके लोड हुआ है। और गाइस इधर पे ऐसा ठंड का मौसम थोड़ा थोड़ा आ गया है, तो कुहासा भी हल्का हल्का गिरने लगा, अभी देख सकते हो आप लोग। चलते हैं गाइस अभी आगे और सफर अपना काटते हैं अभी। तो खाना ये अपना पालक सलाद। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का बज चुका है अभी 8 और अभी हम लोग आगरा लखनऊ वाले एक्सप्रेस पे चल रहे थे, रात को 1 बजे से 10 बजे नींद आया था तो सो गए थे, खाना वाना खा के फिर 1 बजे उठ गए थे, 1 बजे उठ के कंटिन्यू चल रहे थे। तो अभी पहुंचने वाले हैं लखनऊ, यहाँ से 70 किलोमीटर ऐसे करके दिखा रहा है, और यहाँ का लोकेशन देख सकते हो गाइस आप लोग, जो कि पूरा एक्सप्रेस वे हाईवे है। तो चलते हैं गाइस अभी और यहाँ से अपना सफर काटते हैं और चलते हैं ट्रांसपोर्ट में, अभी देखते हैं क्या बनता है अपना लोडिंग का, अगर 90 नहीं रहेगा तो ट्रांसपोर्ट में चले ही जाएंगे। तो चलते हैं अभी, निकलते हैं यहाँ से, अपना सफर रखते हैं कंटिन्यू। गाइस अभी निकलने लगे यहाँ से, आज का वेदर काफी अच्छा है, पूरा ही धूप मॉर्निंग से अच्छा धूप जैसा किया हुआ है, और पूरा इधर खुला जगह है, पूरा ही खेत खेत है, ये सब है, खुला जगह है पूरा, ये हाईवे जितना भी है, और एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, सबसे बड़ा यही है, ना चाय पीने का कोई ये है और ना एक भी पेट्रोल पंप है एक्सप्रेस वे पे, तो पूरा रोड पे कुछ नहीं मिलने वाला है अभी। एक जब एक्सप्रेस वे पे चढ़े तब एक इंडियन ऑयल का पंप मिला था, उसके बाद से कोई पंप नहीं मिला है। तो अभी चलते हैं आगे, तेल भी अपने को लेना है, तो आगे देखते हैं, अगर एक्सप्रेस वे से उतर के तेल लेंगे उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे आगे ट्रांसपोर्ट के पास। गाइस आ चुके हैं हम लोग लखनऊ में और अभी यहीं पे गाड़ी लगा दी, क्योंकि नो एंट्री है, अभी जाएंगे नहीं, नो एंट्री रात को खुलेगा तो रात को जाएंगे यहाँ से। और यहाँ का लोकेशन देख सकते हो, पूरा आम का बगीचा है और यहाँ पे मार्केट भी है, जो कि इधर आप लोग देख सकते हो मार्केट भी, तो चलते हैं अपना और खाना पीना के लिए कुछ देख के लेते हैं। अभी गए थे मार्केट और मार्केट से लेके आ चुके हैं चिकन, जो कि 1 किलो पूरा चिकन मिल चुका है अपने को, और अभी यहाँ पे चावल बन रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चावल चढ़ा दिए नीचे में, और इधर अपना प्याज व्याज जो भी थे सब काटने लगे हैं, तो अपना अभी चिकन बनेगा, देख सकते हो हमारा चिकन पूरा 1 किलो आ चुका है अभी, तो इसको इधर रख देते हैं और ढक देंगे इसको। इस ब्लॉग को करता है यहीं पर एंड और मिलता हूँ एक अनदर ब्लॉग के साथ, और चिकन वाला रेसिपी आपको अगले ब्लॉग में